Hey all, welcome back. This is Vinay Singh from vishAcademy.com and you are watching how to make an event management website in just one hour only without any coding knowledge using WordPress and WP Event Manager plugin. So, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट को हमने काफ़ी इस्टेब्लिश कर लिया है एंड ये रेडी टू लॉन्च के काफ़ी करीब है, राइट? एंड अब हम केवल इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड कर रहे हैं जो इस वेबसाइट को और ज़्यादा ईजी बनाता है यूज़र्स के लिए. सो मुझे एक और प्रॉब्लम मिली है जिसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं. सो प्रॉब्लम क्या है? वेल, प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि आपने एक इवेंट वेबसाइट बनाई है, ओके, एंड इसमें 100+ इवेंट्स हैं. नाउ यूज़र आता है एंड यूज़र आकर इवेंट एक्सप्लोर करता है. सो उसे कई इवेंट मिलते हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड है, ओके. सो यूज़र चाहता है कि वो इंटरेस्टेड इवेंट्स की एक अलग लिस्ट बना पाए ताकि वो उन्हें बाद में देख पाए और जब वो दोबारा बाद में इस वेबसाइट पर आए तो उसे दोबारा सभी इवेंट्स सर्च न करना पड़े. सो ऐसी एक लिस्ट कैसे बना सकता है यूज़र, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सो इंटरेस्टेड इवेंट की लिस्ट बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं WP इवेंट मैनेजर का बुकमार्क्स प्लगइन, ओके. बुकमार्क्स क्या करता है? बुकमार्क एक्चुअली यूज़र को एक कंट्रोल देता है कि वो जो भी इंटरेस्टेड इवेंट है उसे बुकमार्क कर सके और बुकमार्क इवेंट्स की एक लिस्ट बना सके ताकि उसे बार बार सर्चिंग ना करना पड़े इवेंट्स की, और जिस भी इवेंट में वो इंटरेस्टेड है उसे वो केवल एक ही पेज पर देख पाए. सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? लेट्स सी. प्लगइन इंस्टॉल करना आपको आता है. जैसे ही आप इस प्लगइन बंडल को बाय करेंगे तो सभी प्लगइन जो हैं वो जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होंगे. आपको उसे अपलोड करना है ऐड न्यू करके, ओके. देन उस प्लगइन को आपको एक्टिवेट करना है, ओके. एक्टिवेट करने के बाद जैसे ही आप फ्रंट एंड पर जाते हैं और किसी सिंगल इवेंट पेज पर जाते हैं तो आप यहाँ पर एक लिंक देखते हैं विच इज़ बुकमार्क दिस इवेंट, ओके. ये सभी इवेंट पर आपको बाय डिफॉल्ट अब दिखाई देगा. सो जैसे यूज़र प्रेस करता है बुकमार्क दिस इवेंट पर तो एक अकॉर्डियन ओपन होता है जहाँ पर आप नोट डाल सकते हैं लाइक गुड डीजे एंड चीप टिकट एड टू बुकमार्क, ओके. सो ये जो इवेंट है अब हमारे बुकमार्क लिस्ट में आ चुका है या हमारे इंटरेस्टेड वाली लिस्ट में आ चुका है. नाउ हम जाते हैं किसी और इवेंट पर. मान लीजिए यूज़र ने सर्च किया कोई और इवेंट एंड इसमें भी वो इंटरेस्टेड है तो इसे बुकमार्क क्यों करेगा लाइक वेल इवेंट एंड एड बुकमार्क. सो अब दो इवेंट हमारे पास बुकमार्क हो चुके हैं. अब इनकी लिस्ट हम कैसे देख सकते हैं, चलिए देखते हैं. हमें चलना होगा बैकएंड में. हम जाएंगे बैकएंड में एंड क्रिएट करेंगे एक पेज लाइक एड न्यू पेज. इसका नाम हम दे देते हैं बुकमार्क इवेंट्स, ओके. देन यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट लगाना होता है. शॉर्टकट आपको इजीली मिल सकता है WP इवेंट मैनेजर की वेबसाइट के इस पर, ओके. ये लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसे फाइंड कर सकते हैं. देन दिस इज द शॉर्टकट. इसे कॉपी करेंगे, हमारे पेज पर पेस्ट करेंगे एंड पेज को पब्लिश कर देंगे. पेज पब्लिश हो चुका है. अब हम जाएंगे अपीयरेंस में, मेन्यूज़ में, एंड यहाँ पर आप पेजेस में देख सकते हैं बुकमार्क इवेंट्स. इसे चेक करेंगे, ऐड टू मेनू करेंगे, ओके. इसी के साथ माय अकाउंट जो कि ऐड हो चुका था बुकमार्क के साथ, सॉरी बुक कॉमर्स के साथ, माय अकाउंट को भी हम ऐड टू मेनू करेंगे, ओके. एंड बुकमार्क को हम दे देते हैं यहाँ पर इसके सब मेन्यू में. आप चाहें तो इसे डायरेक्ट नेविगेशन भी दे सकते हैं बट सब नेविगेशन में आई थिंक इट्स बेटर. नाउ सेव द मेन्यू, गो टू फ्रंट एंड रिफ्रेश द पेज. एंड अब आप यहाँ पर देख सकते हैं माई अकाउंट में बुकमार्क्ड इवेंट्स, ओके. इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं बुकमार्क्ड इवेंट्स का, लाइक नेविगेशन लेबल में माई बुकमार्क्स, ऐसा कुछ भी आप दे सकते हैं, ओके. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बुकमार्क्ड इवेंट्स में जो भी इवेंट आपने बुकमार्क किए उनकी लिस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी नोट्स के साथ, ओके. देन आप इन्हें आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो इस तरह से यूज़र जो है इंटरेस्टेड इवेंट्स की एक लिस्ट बना सकता है, उन्हें यहाँ से डायरेक्टली एक्सप्लोर कर सकता है, अपने कस्टम नोट्स यहाँ पर ऐड कर सकता है एंड उसके बाद उन इंटरेस्टेड में से जो जो भी उसे अच्छे लगते हैं उन पर क्लिक करके उनके टिकट्स
बाय कर सकता है। ओके, इसी के साथ यहाँ डिलीट आता है, डिलीट पे क्लिक करने पर आप जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उसे डिलीट कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ द बुकमार्क हेल्प यूजर्स टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड इवेंट्स। ओके गाइज, सो आई थिंक दिस प्लगइन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अवर यूजर्स एंड यू शुड यूज़ इट। ओके, सो इसे भी आप इंडिविजुअली बाय कर सकते हैं $19 में, और या फिर आप बाय कर सकते हैं पूरा बंडल जो कि काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है अभी। सो गेट इट एंड मेक योर वेबसाइट मोर इजी फॉर द यूजर्स। ओके, कोई भी अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पुट योर कमेंट बिलो, वी विल हेल्प यू गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर फीचर्स इन दिस वेबसाइट। टिल देन पुट योर कमेंट बिलो द वीडियो, हिट लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी कोडिंग।